इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अफगानिस्तान काबुल से एक फ़र्द बेलगाम आता है यूटीबी यानी कि विश्व शरिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। वो अपने दस्तावेज़ अपने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आता है लॉकडाउन होता है और वो लॉकडाउन में यहाँ पर फंस जाता है। उसे एक लॉज में रखा जाता है, लिहाजा यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। अंजुमन इस्लाम बेलगाम की जानिब से उसे तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल मुहित साहब, जो तकरीबन 40 दिन से भी ज़्यादा वक्त उन्होंने यहाँ पर बेलगाम में गुजारा है। फिर उनको वापसी के लिए अब अफगानिस्तान जाना है काबुल के लिए, लेकिन उनके लिए कोई राह वहाँ पर जाने के लिए नहीं थी। लिहाजा अंजुमन इस्लाम की जानिब से और ख़ासकर सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ ने उनके तमाम सहूलत को फराहम करके दिया। और हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे आए और किस तरह से? आई केम हेयर बिकॉज ऑफ माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। आई अप्लाई फॉर वीज़ा, देन आई कॉल माई यूनिवर्सिटी, दे सेंड टू मी वन ईमेल फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा। आई गॉट वीज़ा, देन आई केम हेयर बिकॉज ऑफ माई डॉक्यूमेंट इन विथ्यू यूनिवर्सिटी। From the How many days you stuck here? I stuck here around 2 months. I stuck here due to the lockdown. How did you came contact in this organization, Anjuman Islam? When I met Inspector Sir, then Inspector Sir is calling me, came here. I went there. I met Mr. Amin. Then he brought me here. अच्छा, ये बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। हम आपके तमाम, आप हिंदी बात कर सकते हैं? डू यू स्पीक इन हिंदी? वी आई विल फर्स्ट से आई हैव टू थैंक्स फ्रॉम मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर हसीद सर, द प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम, and from all the member of this anjuman, especially I thanks from all of you for your helping. I am speechless, how can I thanks for this situation? In 1 second my situation became changed. I got my everything. Thank you so much from all of you, especially from CEO or president of this anjuman. अब्दुल मुहीद, यहाँ पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है सदर अंजुमन और बेलगाम के तमाम लोग जिन्होंने जिनकी मदद की। लिहाजा वो अब यहाँ पर, उनके लिए गाड़ी भी तैयार है और वो अब अफगानिस्तान के लिए रवाना है। नाउ आई हैव टू लीव टू दिल्ली एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान। देन व्हेन आई मीट एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान, आफ्टर दैट आई गो टू अफगानिस्तान इन 19 फ्लाइज देयर, दे अरेंज फॉर हस टू गो अफगानिस्तान। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल मुहीद साहब, उन्होंने बताया कि कितना लोग यहाँ पर कितने लोगों ने उनकी मदद की और तमाम का वो शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ासकर सदर अंजुमन का उन्होंने जो है शुक्रिया अदा किया है। और ये वाकई बेलगाम शहर के लिए बास फ़ख्र है कि एक अफगानिस्तान काबुल से एक फ़र्द बेलगाम आता है और यहाँ फंस जाता है और उसके लिए लोग यहाँ पर उसकी मदद करके उसे भेज रहे हैं। और ये वाकई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारा बच्चा ये जो वीडियो में पढ़ रहा है, काबुल अफगानिस्तान का है, काफ़ी परेशान था अपने घर पहुंचने के लिए, अपने वालिद और वालिदैन के साथ में रहने के लिए। यहाँ पे हमारे हमिद सिद्दीकी भाई, समीउल्लाह साहब, अशफाक कोड़ी साहब, हमारे चेयरमैन साहब आमिन भाई, ये सब ने मिल के कोशिश की। और हमारे हनीफ भाई ने रीजनल कमिश्नर को मिले और उन्होंने भी काफ़ी मदद की, रीजनल कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने, और हमारे मार्केट के सीपीआई उन्होंने भी काफ़ी मदद की। और ये बच्चा अब अपने घर वापस जा रहा है। हम सब दुआ करें कि वो हिफाजत से और आराम से अपने घर पे पहुँचे।
एक अफगानिस्तान से एक स्टूडेंट आया हुआ है जो 2017 में इधर से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था और वो अफगानिस्तान में नौकरी पे था और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और रिसीव करने के लिए वीटीओ आया है और जैसे वो आ गया हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन हो गया। इस लॉकडाउन की वजह से वो बेलगाम में अटक गया। एक पिंटो लॉज बोल के है, उन्होंने उनको बहुत कोऑपरेट करके अपने पास रखा था। फिर हमको संघ में शिव जी ने बताया कि इनकी हेल्प कीजिए। जब बताया तब हमने आके हमारे अंजुमन प्रेसिडेंट जनाब आसिफ राजू सेठ साहब को इतला दी। उन्होंने बोला कि शमीला भाई हमारे